बारिश के साथ ओले गिरने से फसलें हुई खराब। अनुभूति कैंप लगाकर स्कूली बच्चों को जंगल की कराई गई सैर। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर जिले के सटे में तेज बारिश के साथ ओला गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। रामपुर, सिलावट, भरनपुरवा, करिया नाला आदि गांव में अति ओलावृष्टि से खेत में लगी फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं, जिससे यहां के किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वहीं तेज बारिश होने की वजह से सटई बस स्टैंड की कई दुकानों में पानी घुसने की वजह से दुकानदारों का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें तो साफ फसल पूरी चौपट हो गई है और कुछ भी बचानी है। पूरी सब्जी नष्ट हो गई, फसल भी नष्ट हो चुकी है और गेहूं वगैरह 10 बजे रात के उड़ा पड़ा है और कुछ नहीं बचा है। आप क्या करना चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि अब किसान सब यहाँ मर रहा है, कुछ में कुछ सहायता जो भी शासन देवे वो सहायता किसान के लाने देवे। इसमें जी सर, मेरे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। लगभग मैं 100% का नुकसान हो चुका है जी। और अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अब हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारी फसल का नुकसान हुआ है वो कम से कम हमको उसकी भरपाई तो हो जाए, कम से कम हम उनकी आगे तक की व्यवस्था बन जाए खाने पीने की। कपड़ा भींग गया, बढ़िया होल्ला भींग गई 5 पेटी 37 किलो की, और सामान भींग गया, कुछ नुकसान कितने होगा? 10-12 हजार। दमोह जिले में वन विभाग द्वारा जंगल में अनुभूति कैंप लगाकर स्कूली बच्चों को जंगल की सैर कराई गई। छात्र छात्राओं को जंगली वनस्पति, पेड़ पौधे और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। सलिया बीट के अंतर्गत पिपरिया घाट के जंगल में प्यारावन नदी के पास बच्चों को घुमाया गया और बच्चों को जंगल से जुड़ी हुई रोचक बातें बताई गयी। इस दौरान वन संपदा से जुड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 120 बच्चों ने भाग लिया। वहीं बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए।